हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पीएमएसएम और बीएलडीसी के बारे में बोला था। और बीएलडीसी में आपने देखा ही था कि ये डीसी मोटर की तरह कैसे इसको इक्वेट किया जा सकता है। उसकी टॉर्क इक्वेशन फ्लक्स इनटू करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। टॉर्क इक्वेशन और ईएमएफ इक्वेशन फ्लक्स टाइम्स स्पीड के प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। और आपकी पीएमएसएम ये नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर की तरह रन करती है। थ्री फेज सप्लाई दोगे, आपका रोटेटिंग फ्लक्स डेवलप, रोटेटिंग ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और उसके अंदर आपका अगर कोई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाए तो आपका जो रोटर है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है, रोटेटिंग फ्लक्स के साथ, रोटेटिंग ईएमएफ के साथ। तो वही बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। अब लास्ट फोर्थ यूनिट के लास्ट पार्ट पे अपन आ गए हैं, जिसमें आपका सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स हैं, ठीक है। नॉर्मली दो सिंक्रोनस मोटर हैं आपकी सिलेबस के अंदर, एक है आपकी वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर और दूसरी है आपकी हिस्टेरेसिस मोटर, ठीक है। देखते हैं सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स का क्या प्रिंसिपल होता है। बेसिक प्रिंसिपल वही है जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होता है, ठीक है। सबसे पहले डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, आपकी एक ही वाइंडिंग होगी, ठीक है। और एक वाइंडिंग में अगर आप एसी सप्लाई देंगे तो एसी सप्लाई देने के बाद एक पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा जो हर हाफ साइकिल में अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। तो इस तरह के फील्ड को हम दो रोटेटिंग एमएमएफ में ब्रेक कर सकते हैं, हाफ आई एम फॉरवर्ड, हाफ आई एम बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड फील्ड में ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। और अगर उसको स्टार्टिंग करनी हो किसी भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, तो हमें क्या करना पड़ता था, दो बाइंडिंग लगानी पड़ती थी। एक आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती थी, एक मेन वाइंडिंग होती थी। दोनों वाइंडिंग 90 डिग्री पर होती थी। और जो भी हमारी यूज़फुल इंडक्शन मोटर्स होती हैं वो सारी की सारी दोनों वाइंडिंग पे ही आजकल चलती हैं। एक सेकेंड वाइंडिंग को आप कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट करा के दोनों वाइंडिंग की करंट को 90 डिग्री आउट ऑफ फेज बना देते हैं, ठीक है। तो वही काम हमें करते हैं। तो नॉर्मली क्या करते हैं, दो वाइंडिंग इन में भी स्टार्टिंग के लिए पर्पज़ से समझ लीजिए या रनिंग के पर्पज़ से समझ लीजिए, हमेशा कनेक्ट करके रखते हैं। अगर आप दो वाइंडिंग से स्टार्टिंग दे दें और एक वाइंडिंग पे चलने दें तो सारी सिंक्रोनस मोटर चलती रहेंगी, बट अनदर वाइंडिंग डेड हो जाएगी, तो उसका टॉर्क का यूटिलाइजेशन करने के लिए नॉर्मली हम दोनों ही वाइंडिंग को रन होने देते हैं। जो स्टेटर का सर्किट होता है वही रहता है, आपकी जो सप्लाई रहेगी, आपकी एसी सप्लाई रहेगी सिंगल फेज, ठीक है। उसके एक तरफ आपकी ये मेन वाइंडिंग लगा दोगे, दूसरी तरफ विद कैपेसिटर लगा के आप ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्ट कर दोगे। रोटर आपके डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप के रोटर के बेसिस पे आपकी डिफरेंट टाइप की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर्स बन जाएंगी, ठीक है। तो वही है, एक वाइंडिंग आपकी कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट की जाती है, दूसरी वाइंडिंग डायरेक्टली सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट की जाती है। दोनों करंट किस में रहती हैं, क्वाड्रेचर में, 90 डिग्री में, जिससे कि दोनों फ्लक्स 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाए। मतलब दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, बट आइडियली 90 डिग्री किसी में भी नहीं हो पाते हैं, थोड़ा बहुत एंगल 80-70 इस तरह का चलता है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। स्टेटर कैसा होगा कंस्ट्रक्शन, दो वाइंडिंग 90 डिग्री करनी है आपकी। तो आपका जो बाइंडिंग बाइंड करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग करते हैं तो उससे 90 डिग्री पे ऑक्सिलरी बाइंडिंग की जाती है, ठीक है, ठीक है। और ऑल द मोटर्स नॉर्मली रन एंड स्टार्ट ऑन कैपेसिटर। सो कैपेसिटर आपका फेज स्प्लिट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है सेकेंड ऑक्सिलरी बाइंडिंग में, जिससे कि आपको स्टार्टिंग टॉर्क दिया जा सके। और मोटर्स को हम नॉर्मली कैपेसिटर्स को नहीं हटाते हैं, हटा लेंगे तब भी चलती रहेगी वो एक वाइंडिंग। मैंने आप लोगों को लैब में भी दिखाया कि अगर आप जो कैपेसिटर हैं ऑफ कर दें रनिंग कंडीशन में तो मोटर चलती रहती है, और अगर स्टार्टिंग में ऑफ कर देंगे स्टार्ट करने से पहले ही तो आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होती है। मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को लैब में, ठीक है। तो यही है। अब हिस्टेरेसिस मोटर देखते हैं, हिस्टेरेसिस मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या है। तो हिस्टेरेसिस मोटर में मैंने बताया था, जितनी भी सिंगल फेज मोटर हैं एसी की, वो सब स्टेटर जो है सबका एक जैसा रहेगा, रोटर सबके डिफरेंट रहेंगे। तो रोटर में क्या है, हिस्टेरेसिस मोटर के में आपका एक हॉलो सिलेंडर मान सकते हैं, जो स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल का, जिसको हिस्टेरेसिस रिंग भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो आउटर जोन, आउटर पार्ट में रोटर के रहेगा, और इनर पार्ट रोटर का रहेगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो इनर पार्ट नॉर्मली नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल नॉर्मली रखते हैं, जो क्या हो जाता है आपका एल्यूमिनियम हो जाता है। और आउटर पार्ट पे क्या हो जाता है आपका स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जो बाहर का पार्ट जो यहाँ पे ब्लू ब्लू मैंने दिखाया है, ये आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कैसे हमको मोटर में
क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, और ये बीच का पार्ट जो दिखाया है ये शाफ्ट है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे ये इसकी फंक्शनिंग होगी, ठीक है। हाई रेजिस्टिविटी ऑफ मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ की रेजिस्टिविटी बहुत हाई रखी जाती है जिससे कि कोई भी एडी करंट लॉसेस ना हो, ठीक ठीक है। इनर पार्ट जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एल्यूमिनियम वगैरह का रहता है, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे सिंपल बस जो हिस्टेरेसिस फिनोमेना है वही हमारे काम की है। हिस्टेरेसिस फिनोमेना में ये आप जो देख रहे हैं ये चीज़, इसको हम बीआर बोलते हैं हर केस में, ये बीआर, तो ये बीआर ही आपके काम की है। बीआर क्या है? रिमेनेंट फ्लक्स डेंसिटी होती है, ठीक है। तो रिमेनेंट फ्लक्स डेंसिटी जो है, अब अगर हम एचसी या एच प्रोवाइड करते हैं, एच प्रोवाइड करते हैं इधर की तरफ, तो उसमें मशीन के अंदर फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी डेवलप होगी, ठीक है। एच किससे प्रोवाइड कर देंगे? स्टेटर को अगर आप सिंगल फेज करंट्स या रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट करेंगे तो वो एक एच प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फ्लक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो एच क्या होगा? मैग्नेटाइज करेगा रोटर को। तो हिस्टेरेसिस की वजह से एक लैगिंग रहेगी, हिस्टेरेसिस फिनोमिना की वजह से जो आपका स्टेटर का फ्लक्स है और रोटर में इंड्यूस होने वाला फ्लक्स है, दोनों के बीच में कुछ हिस्टेरेसिस एंगल रहता है। उस एंगल को मैंने यहाँ पर डेल्टा से डिनोट किया है, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच में कोई एंगल रहेगा तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो थोड़ा लेट होगा। तो थोड़ा लेट कैसे होगा? यहाँ पे अगर मैंने इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लक्स एफ एस या फिर बी एस दिया, एफ एस मतलब स्टेटर एम एम एफ, बी एस इज स्टेटर फ्लक्स डेंसिटी, अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिया है तो जो आपका रोटर में इंड्यूस होने वाला फ्लक्स रिमेनेंट फ्लक्स होगा वो इस रोटर में इंड्यूस होने वाला फ्लक्स बी आर या एफ आर होगा, वो इस डायरेक्शन में कुछ डेल्टा एंगल डिलेड रहेगा। डिलेड क्यों रहेगा? क्योंकि जो मैग्नेटाइजेशन है वो एकदम परफेक्टली फॉलो नहीं करेगा, हिस्टेरेसिस की वजह से कुछ डिले रहेगा। तो दोनों फ्लक्स के बीच में हमेशा एक एंगल बन जाएगा, तो वो एंगल रहेगा डेल्टा, या उसी को लोड एंगल और टॉर्क एंगल कहेंगे, ठीक है। अब दो फ्लक्स हैं आपके इंटरेक्ट करने के लिए, स्टेटर का फ्लक्स और रोटर का फ्लक्स, तो दो फ्लक्स हैं और दोनों के बीच में एंगल है, तो हमें हमेशा पता है कि टॉर्क विल ऑलवेज बी प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर आर टू फ्लक्स एंड देयर डिस्प्लेस्ड बाय एन एंगल, ठीक है। तो किसके प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क? फाइ एस इंटू फाइ आर इंटू साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो इसके प्रोपोर्शनल आपका टॉर्क रहता है। तो हिस्टेरेसिस मोटर में भी यही प्रिंसिपल लगता है कि जो आपके रोटर को बस आपने मैग्नेटाइज किया, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। और मैग्नेटिक मटेरियल मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उधर हम नहीं चाहते कि एडी करंट के लॉसेस हों, केवल और केवल आपका जो एनर्जी स्टोर हो हिस्टेरेसिस के कारण हो, तो जिससे क्या हो, एक डिले हो जाए फ्लक्स में स्टेटर के फ्लक्स से, तो वो जो एंगल रहेगा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही आपका ज़्यादा टॉर्क डेवलप होगा। तो मैक्सिमम एंगल कैसे दे सकते हैं? अगर इस तरह का नंबर एक जो दिया हुआ है, इस तरह का अगर आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, तो कौन से मैग्नेटिक मटेरियल नॉर्मली यूज़ करते हैं? आपका हार्ड क्रोमियम, हार्ड क्रोम जिसको बोलते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं कोबाल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोबाल्ट अलॉयज, ठीक है। ये जो कोबाल्ट अलॉयज हैं या निकिल कोबाल्ट अलॉयज हैं या हार्ड क्रोम मटेरियल्स हैं, ये सारे के सारे इनका हिस्टेरेसिस लूप जो होता है बहुत बड़ा होता है, इनको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण से आपका, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जो हिस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं पी एच किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? एफ इंटू बी की बी आर की पावर 1.6, इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। और जो आपकी एफ है, एफ क्या है? आपकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। और जो एन एस होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, एन एस दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एफ। तो जो ओमेगा एस है या एन एस है वो भी फंक्शन एफ का हो गया, तो एफ से एफ कैंसिल आउट कर देंगे तो टॉर्क क्या आ जाएगा? आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो टॉर्क होता है हिस्टेरेसिस मोटर का वो कॉन्स्टेंट रहता है, किसी भी स्पीड पर आपका कॉन्स्टेंट टॉर्क रहेगा, ठीक है। और एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं? एडी करंट का अगर थोड़े बहुत होते भी होंगे तो वो किस हिसाब से रहेंगे? एडी करंट लॉसेस का अगर आप देखेंगे पीई, तो पीई जो होते हैं आपके किस पीई जो होते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? पीई प्रोपोर्शनल होते हैं आपके एफ का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, बी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके अपॉन में अगर हम ओमेगा एस कर दें, सिंक्रोनस स्पीड करते हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड एफ का फंक्शन है, एफ से डिवाइड करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी रहेगी पीई वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी? सॉरी, जो लॉसेस रहेंगे एडी करंट वो किसके प्रोपोर्शनल रहेंगे? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एडी करंट लॉसेस,
ठीक है, इस तरह की मोटर में। तो होगा क्या, रोटर हम जब मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो रोटर को सिंक्रोनस स्पीड में रन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो सिंक्रोनस स्पीड में रन कर देगा तो पीएच तो आपके एफ जो होते हैं मतलब टॉर्क होता है जो हिस्टेरेसिस के कारण जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो केवल और केवल बी आर के स्क्वायर के बी आर की पावर 1.6 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एडी करंट का टॉर्क है वो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, एडी करंट का टॉर्क, ठीक है, किसी भी डिफरेंट डायरेक्शन में कोई टॉर्क नहीं लगेगा, और एडी करंट के लॉसेस भी जो हैं वो एफ के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वो भी जीरो हो जाएंगे। क्यों क्यों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि रोटर जो है उसके सिंक्रोनाइजेशन में घूमने लगेगा, किसके, जो स्टेटर का फ्लक्स रोटेट कर रहा है, तो रोटर में भी फ्लक्स का जो फ्रीक्वेंसी का फील होगा वो खत्म हो जाएगा अगर वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट स्टेटर फ्लक्स। वो जीरो स्पीड में मूव करेगा क्योंकि स्टेटर फ्लक्स भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा और रोटर भी आपका, तो जो स्टेटर में रोटर में जो एडी करंट लॉसेज हैं वो इस तरह से जीरो भी हो जाएंगे। पहले तो आपने हार्ड में हाई रेजिस्टिविटी का वो बनाया, ठीक है, जब तक आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं रन करेगा तब तक उसमें थोड़े बहुत आपके एडी करंट लॉसेज होंगे, ठीक है। जैसे ही आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंच जाएगा, लॉकिंग में पहुंच जाएगा, तो कोई भी आपके एडी करंट लॉसेज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एडी करंट लॉसेज किस पे होते हैं, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी या एडी करंट टॉर्क जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, तो एडी करंट टॉर्क क्या हो जाएगा, अपने आप ही जीरो हो जाएगा जब रोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड पे लॉक में लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आपने देखा ही, टॉर्क स्पीड कर्व जो है एकदम कांस्टेंट टॉर्क रहता है अप टू द सम फाइनाइट स्पीड, ठीक है, और एज द मोटर हैज़ कांस्टेंट टॉर्क फ्रॉम जीरो टू सिंक्रोनस स्पीड, इट कैन सिंक्रोनाइज टू एनी लोड एंड कैन बी एक्सेलरेटेड विद लोड। जो मैक्सिमम इसका टॉर्क कंडीशन है, अगर उससे कम कोई भी टॉर्क होगा तो ये सिंक्रोनाइज रहेगी और ना, ठीक है। इफ़ रोटर इज स्मूथ, ठीक है, इसका मतलब रोटर जो है वो स्मूथ है, और जब रोटर स्मूथ है, रोटर पे कोई टीथ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई मैग्नेटिक पल्सेशन के चांसेस ही नहीं रहते, वाइब्रेशन बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं स्टेरेसिस मोटर के, इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स में, प्रिसाइज ट्रिमिंग डिवाइसेस में, टाइमिंग डिवाइसेस में, ठीक है, ड्राइव टेप डेक्स में, ठीक है, ऑडियो इक्विपमेंट्स में, ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड ऑपरेशन में, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसकी लो इनर्शिया मोटर होती है, क्योंकि आपके रोटर पे क्या है, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल डाला एल्यूमिनियम का जो ऑलरेडी लाइट वेट होता है, उस पर आप थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल की रिंग चढ़ा देंगे, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बहुत ही लाइट वेट हो जाता है, तो इनर्शिया इसका बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशन है, तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको देखना है सिंक्रोनस रिएक्टेंस मोटर। अगेन इसमें क्या होगा, आपका जो रोटर है वो इस तरह का होगा, ये फोर पोल रोटर मैंने बनाया हुआ है, फोर पोल रोटर में इसमें क्या है, बस वेरिएबल रिलक्टेंस है, आयरन के इस तरह के स्टैम्पिंग्स को स्टैक करो टुगेदर और उनको एंड पॉइंट पे रिवेट करके इसको एक रोटर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका डिफरेंट, अगर ये जैसे स्टेटर में मैंने सिंगल फेज वाइंडिंग दिखाई है, स्टार्टिंग के पर्पज से एक और वाइंडिंग क्वाड्रेचर में इधर दी जा सकती है, ठीक है, तो स्टार्टिंग पर्पज से एक वाइंडिंग दी जाती है, और नॉर्मली मैंने क्या बताया उसी वाइंडिंग पे रन भी करते हैं, लेकिन एनालिसिस के लिए मैं सिंगल फेज वाइंडिंग की एनालिसिस यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। पहले इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, स्टेटर वैसा ही रहेगा जैसा कि आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है, रोटर में क्या रहेगा, वेरिएबल रिलक्टेंस वाला रोटर रहेगा, ठीक है, तो इसको सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, बस ये है कि इसको भी स्टार्ट करके एक बार सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ले जाएंगे तो ड्यू टू रिलक्टेंस टॉर्क इट विल फिक्स इटसेल्फ इन द रोटेटिंग कंडीशन ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड की रोटेटिंग कंडीशन जो होती है उसी में अपने आप को लॉक कर लेगा रोटर आपका, ठीक है। तो अब इसका एनालिसिस मैंने बताया है कि कोई भी वेरिएबल रिलक्टेंस वाला पाथ होता है उसमें टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू हाफ आई स्क्वायर इंटू डी एल वाई, यहाँ पर डी मिस हो गया, डी एल वाई डी थीटा, ठीक है। तो जो कोई भी वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर आपने देखी हो, चाहे स्टेपर देखी हो, चाहे रिलक्टेंस मोटर स्विच रिलक्टेंस देखी हो, सब में टॉर्क का फॉर्मूला यही रहता है, ठीक है। अब अगर आपने साइनोसॉइडल करंट प्रोवाइड किया किसी बाइंडिंग में, और आपकी एल की प्रोफाइल मैंने कैसी दिखाई है, यहाँ पे एल की प्रोफाइल है एल वन प्लस एल टू कॉस टू थीटा, कैसे ली हुई है, थीटा को आपने इस पोजिशन से मेजर करना स्टार्ट हुआ इधर की तरफ, तो अगर ये जब थीटा जब जीरो होगा, जब थीटा जीरो होगा तो इंडक्टेंस जो ये सिंगल फेज की जो ये बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग को इंडक्टेंस मैक्सिमम लगेगी या मिनिमम, तो पहले ये देखो जब थीटा जीरो है तो इधर रिलक्टेंस क्या होगी, रिलक्टेंस मिनिमम होगी, मतलब इंडक्टेंस मैक्सिमम होगी, इंडक्टेंस मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, एल वन प्लस
एल टू रहेगी, ठीक है, एल वन प्लस एल टू, और जिसको नॉर्मली मैं एल डी एस भी बोलूँगा, ठीक है, डायरेक्ट एक्सिस इंडक्टेंस, एल वन प्लस एस एल टू हो जाएगी, ठीक है। अब जब एंगल इसका 90 डिग्री, इस कंडीशन से 90 डिग्री पे आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, जब इस कंडीशन में आ जाएगा तो इस पाथ की रिलक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, उस कंडीशन में ये जो इंडक्टेंस हो जाएगी वो L1 माइनस L2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जिसको कि मैं बोलूँगा LQS, ठीक है, LQS, ठीक है। तो वो ये LD और LQ का जो टू टाइम्स LQS टू टाइम्स LDS इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट में मैं इसको दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये इसकी एक जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ पर बना दी है, एल की एल वन प्लस एल टू कॉस थीटा कॉस टू थीटा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि टू थीटा क्यों लिया है, 180 डिग्री बाद सेम 0 डिग्री वाली कंडीशन आएगी, ठीक है, और 90 डिग्री और 270 डिग्री पे सेम कंडीशन आएगी, मतलब 180 डिग्री में इसका एक कंप्लीट साइकिल हो जा रहा है इंडक्टेंस का, इसीलिए 2 थीटा लिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस प्रोफाइल है। तो जो ये टॉर्क का फॉर्मूला है, इसमें इंडक्टेंस और करंट की वैल्यू हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क का फॉर्मूला एंड में आपका ये निकल के आता है, ठीक है। पूरा सॉल्व किया और कुछ नहीं किया है यहाँ पे, पहले ये लिया गया है कि डेल्टा अगर रोटर की इनिशियल पोजीशन है टी इज इक्वल टू जीरो पर और उस समय करंट जीरो है तो थीटा और डेल्टा में ये रिलेशन हो जाएगा, अगर ओमेगा एम स्पीड पर रोटर रोटेट कर रहा है तो ओमेगा एम टी माइनस डेल्टा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। जब आपका टी जीरो है तो रोटर का एंगल कितना है, थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के हिसाब से आपका थीटा और डेल्टा का रिलेशन यहाँ रख देंगे। तो ये पी जो है, पी क्यों लिया है, टॉर्क का फॉर्मूला ही मैंने पी भी लिख दिया है, पी इज इक्वल टू टॉर्क इसलिए लिया है, मतलब सिंक्रोनाइजिंग पावर के टर्म्स में, सिंक्रोनाइजिंग पावर और सिंक्रोनाइजिंग वॉट में टॉर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पावर और टॉर्क को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है। तो पी चाहे टॉर्क लिखते चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एवरेज जो आपका पी का फॉर्मूला या टॉर्क का फॉर्मूला ये आया सॉल्व करने के बाद, ओमेगा एम को ओमेगा पुट करने के बाद, उसके बाद आपका एवरेज निकालेंगे तो जो भी ओमेगा टी वाले टर्म्स होंगे वो जीरो होंगे, केवल ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बचेगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये अपने आप जो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ वन बाई फोर आई एम स्क्वायर एल टू साइन टू डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो L2 होता है वो LD माइनस LQ बाई 2 होता है और L1 जो होता है वो बेसिक मशीन वगैरह में कहीं भी आप देख सकते हैं LD प्लस LQ बाई 2 होता है L1, ठीक है। LDS प्लस LQS अपॉन 2 दैट इज़ L1 एंड L2 इज़ हाफ LD माइनस LQ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया टॉर्क का वो ये आ गया आपका हाफ LDS माइनस LQS आई एम स्क्वायर साइन 2 डेल्टा। तो ये अगर एल डी एल क्यू बराबर हो जाते हैं, ठीक है, अगर रोटर आपका सिलेंड्रिकल हो जाता है तो कोई भी रिलक्टेंस टॉर्क नहीं होगा, ठीक है भाई। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रोटर को लॉक कराना पड़ेगा सिंक्रोनस स्पीड में, तभी ये रन कर पाएगा, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है, तब तक रन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर के कुछ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती हैं, रिकॉर्ड प्लेयर में, कंप्यूटर पेरिफेरल्स में, सिग्नलिंग डिवाइसेस में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, ये सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट जनरेटर्स, ठीक है, तो जो नॉर्मल आपके अल्टरनेटर्स होते हैं वही अल्टरनेटर में अगर आप फील्ड एक्साइटेशन की जगह से परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेशन प्रोवाइड करें, मतलब रोटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह परमानेंट मैग्नेट दे देंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर हो जाएंगे। और इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होंगे, नॉर्मली विंड एप्लीकेशन में भी है और आज तक जो मैक्सिमम ये अवेलेबल है 300 से 500 किलोवाट की रेंज में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इवन 1 मेगावाट में भी बन रहे हैं अभी, ये 300 to 500 किलोवाट, ठीक है, इस रेंज में भी आपके परमानेंट मैग्नेट जनरेटर्स बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो अल्टरनेटर का रहता है मशीन में वही रहेगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं रहेगा, केवल और केवल मैग्नेट पार्ट आपका अलग रहेगा, ठीक है। तो इसमें यही है कि आपके पास वोल्टेज कंट्रोल प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि मैग्नेटाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको नॉर्मली स्टैंडर्ड लोन एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, कहीं पे भी अगर पीवी बस पे आपको लगाना है तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ वोल्टेज कंट्रोल कैपेबिलिटी आपके पास नहीं होती है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर में। तो ये इसका एप्लीकेशन जो रहेगा वो आपका या तो विंड मिल्स में रहेगा, ठीक है, जहाँ पर आप कैपेसिटर से रिएक्टिव पावर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर इसका एप्लीकेशन आपका ऐसे एप्लीकेशन में आएगा जहाँ पे आपके पास रिएक्टिव पावर सपोर्ट के लिए कोई एक्सटर्नल सिस्टम हो, क्योंकि यहाँ से फील्ड एक्साइटेशन से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो जहाँ भी आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिक मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करना है वहाँ PMSG या PMG यूज़ किए जा सकते हैं। हाँ, तो मैंने अभी बताया आपको PMSG या PMG के बारे में, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर के बारे में। ये लास्ट टॉपिक जो छूटा था वो था PCB मोटर पिछले पार्ट में यूनिट 4 के ही, ठीक है। तो ये और कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो द प्रिंटेड सर्किट मोटर क्या होती है? बहुत कॉम्प्लेक्ट और लाइट वेट डिज़ाइन रखती है। कैसे लाइट वेट डिज़ाइन रखती है? इसमें दो साइडेड होती हैं आपकी, ठीक है। किसकी? जो मैग्नेट वाले साइड होती है या फील्ड सिस्टम की, ठीक है। और आर्मेचर सिस्टम रोटेटिंग होता है, ठीक है। आर्मेचर सिस्टम कैसा होता है? रोटेटिंग। ये भी एक टाइप है परमानेंट मैग्नेट मोटर्स का ही, ठीक है। तो आपका इसका आर्मेचर जो है वो एक PCB पे आप प्रिंट करते हो, एक PCB होगी उस पर प्रिंट करोगे। अगर PCB को फ्रंट से शेप से देखेंगे तो ये एक डिस्क की तरह दिखेगी, और इस डिस्क पे आप क्या करते हो, इस हिसाब से प्रिंट करा देते हो, ठीक है। इस हिसाब से प्रिंटिंग करा देते हो, इसकी स्पायरल फॉर्म में कॉइल्स प्रिंट हो जाती हैं, और हर कॉइल को इधर उसके शाफ्ट के पास जाके कनेक्ट करा देते हो। फिर एक कॉइल इधर रहेगी, फिर उसको यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कहाँ रहे? ये रहे, जो जिनको कि कॉम्यूटेटर सेगमेंट भी बोल सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को। ये रहे, ये जो दिख रहे हैं ये सब आपके कॉम्यूटेटर सेगमेंट हैं डिफरेंट कॉइल्स के, ठीक है। तो इनमें करंट अंदर से बाहर की तरफ आप देख रहे हो, इस तरह से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये तो हुई बात आपकी आर्मेचर की। तो आर्मेचर क्या है? एक PCB बोर्ड पे प्रिंटेड रहता है, ठीक है। मल्टीपल कॉइल्स होती हैं स्पायरल फॉर्म में, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके रिसर्च पेपर भी देख सकते हो, और बहुत सिंपल सी मतलब कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। अब रोटर क्या होता है, मतलब जो आपका मैग्नेटिक या फील्ड सिस्टम होता है वो कैसे होता है? दो डिस्क और होंगी आपकी, ठीक है। मान लो एक डिस्क ऐसी होगी जिसमें इधर 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 आपके मैग्नेट्स, टाइनी मैग्नेट्स लगे हुए होंगे डिफरेंट पोजिशंस पे। तो ये या तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, नॉर्थ साउथ होगा। और इसके अपोजिट एक और आपकी डिस्क रहेगी जिस पे ये अगर नॉर्थ है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा? साउथ। ये नॉर्थ है तो इसके करस्पॉन्डिंग साउथ होगा। अगर ये साउथ है तो इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्थ होगा, मतलब इसके अपोजिट पोल के। जैसे यहाँ दिख रहे हैं तो ये उसी मैग्नेट का पार्ट, इसी तरह की डिस्क का पार्ट दिखाया गया है कि इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ है। अल्टरनेटिंग पूरे पेरीफेरी में इस तरह की मैग्नेट्स आप लगा देते हो, ठीक है। तो जब आप, जब हम इसके और इधर से जो आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट के थ्रू करंट देंगे वो उन स्पायरल कॉइल्स में जाएगी। वो स्पायरल कॉइल्स किसके अंदर? इस फील्ड के अंदर लगी हुई होंगी, स्टैटिक फील्ड के अंदर। तो उन पे क्या होगा? एक टॉर्क डेवलप होगा। वो टॉर्क क्या करेगा? उसको मूव करा देगा। तो आपका कॉम्यूटेटर सेगमेंट एक ब्रश के कॉन्टैक्ट में था वो हट जाएगा, ठीक है, और दूसरा कॉम्यूटेटर सेगमेंट उस ब्रश के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? वही करंट दूसरी कॉइल में चली जाएगी, वो कॉइल इसकी उस वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगी। तो इस हिसाब से आपकी ये मशीन में आपका जो रोटेशन होगा, ठीक है। तो इधर भी हो सकता है, इधर भी, वो डिपेंड करता है आप कैसे इसमें ब्रश कॉम्यूटेटर का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है ऐसी मोटर का? इसका इनर्सिया बहुत ही कम होता है, एक्सट्रीमली लाइट वेट होती है। क्यों? क्या है रोटर पे? एक आर्मेचर है जो कि प्रिंटेड है, ठीक है। और वो प्रिंटेड आर्मेचर किस पे है? PCB पे, प्रिंटेड सर्किट, जो कि किसका होता है? PVC का बना होता है, ठीक है। PVC की बनती है या फिर माइका की बनती है, ठीक है। माइका की बनती है ये शीट जो होती है। तो माइका की शीट पे आपने कॉपर प्रिंट कराया हुआ है, बहुत लाइट वेट हो गया, ठीक है। तो उसका इनर्सिया बहुत लाइट हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? आप सडनली इसको स्टार्ट कर सकते हो और सडनली आप इसको स्टॉप कर सकते हो। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सर्वो एप्लीकेशंस में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स और ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है, लेकिन हाई पावर नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे PCB के ऊपर आप कितनी करंट फ्लो करा सकते हो उसकी लिमिट रहती है। दूसरी चीज़ का फ्लक्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आपके पास आयरन पाथ होता नहीं है, तो आपको मतलब थोड़े से फ्लक्स को सपोर्ट करने के लिए भी ज़्यादा करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, मतलब लो ही पावर एप्लीकेशन इसके बना यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये PCB मोटर है और इतना ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। आपके सिलेबस में चौथी यूनिट का सिलेबस यहाँ पे एकदम पूरी तरह ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू।